हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं सुष्मिता हाजिर रही आबार नतुन एक ब्लॉग वीडियो नहीं। आज के वीडियो छठ पुजोर वीडियो, थंबनेल देखे निश्चय बुझते पे तो सकाल बेला बैरिए पड़े हमें छठ पुजो देखते। तो छठ पुजो आमार लाइफे एखोनो लाइफे प्रथम छठ पुजोर अभिज्ञता हलो, तो से ही अभिज्ञताटाई आमी तोमादेर काछे शेयर करलाम। तो एखोन बाजे भोर पाँचटा, आमरा पाँचटार परपर बेरियेछि, तो आई थिंक साढ़े पाँचटाई बजे। तो तखन थेके आमरा गंगाय चले गेछिलाम, सेखाने रात तीनटेर पर थेके आई थिंक पुजो स्टार्टिंग होयेछिलो। गंगार पाशे जेहेतु मासिर बाड़ी, तो ओखान थेके बाजी ठाजिर आवाज़ पाच्छिलाम रातेर बेला। तो सकाल बेला बेरिये पड़ेछि आमी, भिडियोर अभिज्ञता तो करेछि, तार साथे तोमादेरके शेयारो करलाम। तुम्हारा देखो तुम्हारे जो भलो लगे तेल अवश्य हमार भिडियो लाइक शेयर कमेंट और हाँ चैनल क्योंकि सबसक्राइब कर दिओ। प्रचुर प्रचुर आनंद हो पुरो गंगाटाई घरे देखे, तो भिडियो तुम्हारा देखो और अवश्य भलो लगल बोलो ना, भलो लगल अवश्य तुम्हारा सबसक्राइब कर दिओ। तो हमें बसि को कथा बोलो ना, तुम्हारा भिडियो देखते थको। कत दूर दूरान्त लोक जन आसे पशे गाड़ी, कत गाड़ी मैंने गाड़ी तुम्हारा देखले विश्वास करते पर एत गाड़ी। तो कत दूर दूरान लोक जन आसे एखे छठ पुजो करते, यार मैं हमार जीवन प्रथम एक्सपिरियन्स। तो बुझलम जेटुकु जो एटा सूर्य देवता के प्रणाम है तार संगे एक मान होम टाइपर करो बाड़ चौदह पुरुष के बाद जानी ना कि एकजुन का एक जिज्ञेस कर पुजो क्रीडानगर सूर्य देवता के मैं प्रणाम करते हैं और बाड़ जे कय पुरुष आज सवार नामे प्रदीप जलाते हैं और एक होमे तर नाम नामे होमे होम तर नाम होमे यज्ञ कि दीते हैं जेटा कि बेस धुनो टाइप में कि बेस एक बोलो। तो से जैक, तो देख मैं तुम्हारे आई थिंक भिडियो भलो लगे। देखो सब क्योंकि नन बेंगली, बेंगली ना एरा। तो भिडियो देखो हमारे तो भीषण ही भलो लेगे। प्रथम मैं इखने भिडियो करते गए एक भाईर थे हारिए गेम, एत लोक जन छोर भिडियो करें घुरे घुरे भिडियो कर सब जगह। तो भाई भाईओ पेचन पेचन ही घूर छो, तो हारिए गेम आर खुजे पे समस्या है जेहेतु तो फोन जुग ना, फोने तो ठीक पावाई जाए। तो तुम्हारा भिडियो देखो, हमें बसि किचू बोलो ना कारण ये पुजो नियम विधि हमें भलोरे जानी ना और से कारण कि बला साजे ना एखे। तो तुम्हारा भिडियो देखो निश्चय भलो लगे। नव सजे उठे
দেখো বন্ধু, এটা গঙ্গা নদী। গঙ্গা আছে কত ঠান্ডা, কত শান্ত। সকালবেলায় গঙ্গা নদীর পাশে দাঁড়ানো ও গঙ্গার হাওয়া খাওয়া একটা ব্যাপারই আলাদা। যদিও ঘাটে যদি লোকজন না থাকতো তাহলে পরিবেশটা একটু অন্যরকমই হতো। ঘাট মানে নদীর ঘাটে প্রচুর লোকজন ছিল, তাই খুব গ্যাঞ্জাম ছিল। তাহলে এর পরিবেশটা অন্যরকমই ছিল, অন্যরকম হতো। তো যাই হোক, আজ গঙ্গা নদীকে দিয়েই আমি ভিডিওটা শেষ করলাম। যদি আমার ভিডিওটা ভালো থাকে, লেগে থাকে, তাহলে অবশ্যই লাইক, শেয়ার, কমেন্ট আর হ্যাঁ চ্যানেলটা কিন্তু প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে দিও। যদি ভিডিওটা ভালো লাগে তাহলে তোমার নিজেদের বন্ধুদের সেই ভিডিওটা শেয়ার করে দিও অনেক অনেক করে। আর পাশের বেল আইকনটা কিন্তু প্রেস করে দিও, তাহলে সমস্ত ভিডিওর নোটিফিকেশান তোমাদের কাছে সবার আগে চলে আসবে। তো টাটা বাই, তোমরা ভালো থেকো।